केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस की टोटल कितनी टाइप्स होती हैं और उनके टिपिकल एग्जांपल्स क्या क्या हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ क्या पढ़ते हैं भाई, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं आपको बताऊं भाई, सॉल्यूशंस को हम प्राइमरली तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस, एक हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस, एक हमारे पास होते हैं गैसियस सॉल्यूशंस। तो सॉलिड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, मतलब आमतौर पर, तो भाई मैं आपको बताऊँ, सॉलिड सॉल्यूशन को बोलते हैं जहाँ पर दोनों सॉलिड हो। जनरली क्या बोल देते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस को, जहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों क्या हो, लेकिन कोई ज़रूरी मतलब वो तो बहुत प्रिसाइजली बोलते हैं, लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन को बोल देते हैं जहाँ पर सॉल्वेंट क्या हो, सॉल्वेंट क्या, सॉल्वेंट क्या हो भाई, सॉलिड हो ना, ठीक है, तो नहीं क्या बोलेंगे। तो तीन तो कैटेगरी होगी, तो इसी होगी हमारे पास तीन टोटल, मैं आपको बताऊँ नौ तरह के सॉल्यूशन होते हैं टोटल। क्या बेटा, कौन कौन से? एक तो जब आपने बताओ सॉलिड डिजोल्व कर रखा है सॉलिड में, एक क्या हो जाएगा, तीन टाइप के हो गए, सॉलिड सॉल्वेंट के साथ तीन टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे। सॉलिड डिजोल्व कर रखा है सॉलिड में, सॉलिड सॉरी लिक्विड डिजोल्व कर रखा है सॉलिड में, और गैस डिजोल्व कर रखी है सॉलिड में। समझ गए बात, ये तीन तरह के हो गए, इजंट इट। अब पहले बताओ इनका एग्जांपल बताओ, सॉलिड डिजोल्व कर रखा है, इनको बोलते हैं सॉलिड इन सॉलिड। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जितनी भी क्या आपकी मेटल्स, क्या आपकी बेटा जितनी भी मेटल्स, उनको जो आप मेटल्स में सारी एलोइज, जर्मन सिल्वर भी, ब्रॉन्ज भी, बोलो भाई, और ब्रास भी, और इवन आपका गोल्ड, जो 22 कैरेट गोल्ड होता है, 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है, प्योर सोना, वो मिक्सचर, वो सॉल्यूशन नहीं है। 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है कि 22 हिस्से क्या हैं और दो हिस्से किसके मास, तांबे के, ठीक है बात। और अगर मेरे पास हो तो क्या है, 18 कैरेट गोल्ड क्या होता है, 18 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड क्या होगा, 20 कैरेट गोल्ड, 20 हिस्से तो क्या है गोल्ड के और चार क्या है तांबे के। बेटा ब्रास तो खुद एक अलॉय है, अरे भाई जो ज्वेलरी वाला गोल्ड होता है, ज्वेलरी बनाने वाला गोल्ड प्योर गोल्ड नहीं होता, वो एक मिक्सचर होता है, प्योर गोल्ड से जो गहने नहीं बनते, नहीं आपको, तो अगर तो 24 कैरेट गोल्ड प्योर होता है, हाँ बेटा 24 कैरेट, उसका मतलब क्या होता है कि 24 मतलब सारे का सारा क्या है 100% गोल्ड हो, नहीं आपको। तो आप सभी पूछ ले कि वो तो 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है, बताओ, सॉल्यूशन होता है, इजंट इट। अच्छा, और कोई आपसे पूछ ले 18 कैरेट, 22 कैरेट गोल्ड में 22 हिस्से क्या होते हैं और दो हिस्से क्या होते हैं तांबे के, और 18 कैरेट गोल्ड क्या हो गया, 18 तो गोल्ड और 6 क्या हो गया, तांबा हो गया। अच्छा, अगर आपके पास 18 कैरेट गोल्ड है, कितना है, लेकिन आपके पास 18 कैरेट गोल्ड 100 ग्राम गोल्ड है, कितना है 100 ग्राम गोल्ड, आपके पास 100 ग्राम का कोई गहना है, कोई ज्वेलरी है, और उसमें 18 कैरेट उसकी प्योरिटी है, ठीक है, तो उसमें कितने ग्राम तांबा है, बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, 18 कैरेट का मतलब क्या होता है, 24 में, बोलो भाई, टपको, अगर टोटल मास कितना हमारे पास 24, तो गोल्ड कितना हो उसमें 18, टोटल मास कितना हमारे पास एक, तो कितना 18/24 और 100 ग्राम टोटल मास, मतलब पल पड़ गई, टोटल मास अपने 24 होना है, नहीं आपको। 18 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होता है कि 24 हिस्सों में 18 हिस्से क्या है, एक में कितना और 100 में कितना, इंटू 100, तो प्योर गोल्ड नहीं, तब पता लगेगा कितने ग्राम उसमें तांबा मिला रखा है, आगे आपको। तो देखो भैया,
सुनार वगैरह भाई जो ज्वेलरी शॉप होती है वहाँ भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, आपको पता हो भाई कि कितने कैरेट का है क्या है, समझे बात, ताकि आपको उनकी प्योरिटी पता हो कितने ग्राम तांबा मिला के दिया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई भाई ज्वेलरी शॉप अगर क्या बोलते हैं ऑनेस्ट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, वो बोल दें कि हमने 22 कैरेट बनाया है और बना क्या दें, 20 कैरेट बना क्या दें, वो बोल दें हमने 22 कैरेट के बनाए हैं तो आप मान भी लो, लेकिन उसमें 20 कैरेट गोल्ड हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो हिस्से 24 में से 22 की बजाय दो की बजाय चार हिस्से क्या है तांबा है, तो आपने तो तांबे के पैसे दिए बहुत सारे गोल्ड के हिसाब से, नहीं आपको, तो फिर क्या थोड़ा लिक्विड में सॉलिड। अब लिक्विड इन सॉलिड क्या होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, क्या सॉल्ट्स, ये आपकी कहोगी ये क्या बला होती है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा ना, अगर आप जैसे मेरे पास ये हो, बताओ अगर मेरे पास बेटा ये हो EUNO3 यूरोपियम नाइट्रेट, क्या हेक्साहाइड्रेट, क्या तो ये क्या है हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्या ये नहीं समझे बात, इसमें क्या मिला हुआ है बताओ, पानी। अभी होता तो क्या है बताओ, यूरोपियम नाइट्रेट होता क्या है सॉलिड होता होगा, लेकिन उसके अंदर क्या जा रखा है बताओ, पानी उसके अंदर है नहीं क्या, तो ये तो कौन सा सॉल्यूशन हुआ एक तरह से सॉलिड लिक्विड, सॉरी लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन, क्योंकि आपको नजर कैसा आएगा सॉलिड नजर आएगा ये आगे आपको, फिर क्या होता हमारे पास गैस इन सॉलिड, ये क्या होता है, अगर कोई कई बारी जो मिनरल हमको मिलते हैं ना भाई नेचर में उनमें गैस घुली मिलती है, क्या गैस वहां पर आपको ट्रैप्ड मिलती है मिनरल्स में, क्या कई मिनरल्स के अंदर है वो सॉलिड, उन्हें गर्म करने पर उनमें से क्या निकलती है गैस, नहीं आपको, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास गैस इन सॉलिड। अब हमारा कौन सा भाई सॉलिड इन लिक्विड, अब तो एक तो टाइप ही होगी जहां पर सॉल्वेंट क्या है, एक तो हमारे पास टाइप कौन सी होगी जहां पर सॉल्वेंट सॉलिड है, तो उसकी तीन सब टाइप होगी, कौन कौन सी, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। अब एक वो होगा जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो, क्या सॉल्वेंट लिक्विड हो, तीन कैटेगरी यहां पर होगी, कौन कौन सी, नहीं सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अब बताओ भाई सॉलिड इन लिक्विड का टिपिकल एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, बताओ सॉलिड इन लिक्विड का बेटा टिपिकल एग्जाम्पल बताओ क्या हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है, आप नमक पानी में डिजोल्व करते हो तो सॉलिड है, कांड लिक्विड में, तो निम पानी क्या होता है सॉलिड इन लिक्विड, नहीं आपको, चीनी आपने डिजोल्व कर दी, चीनी सॉलिड है, डिजोल्व कर दी पानी में, पानी लिक्विड है, तो ये भी क्या सॉलिड इन लिक्विड। फिर क्या हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड क्या हो जाएगा, अगर आपने जैसे भाई आप देखो ना कई आदमी भाई क्या बोलते हैं त्योहार के मौके पे अपना कुछ पार्टी कर रहे होते हैं, है ना, तो उनसे कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो कह सकते हैं हम तो भाई लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर बना रहे हैं, लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर, अरे भाई वो शराब और पानी को मिलाते लेते क्या, हालांकि पहले ही जो भाई प्योर शराब नहीं आती होती, ध्यान रखियो जो भी दारू आती है जो भी शराब आती है उसमें 100% इथेनॉल नहीं होता, समझे बात, वो कंटेंट कम या ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें ऑलरेडी क्या और क्या मिलाते हैं वो पानी, तो वो जो शराब पीते हैं वो भी क्या होता है लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर होता है, नहीं है आपको, ठीक है। और तो गैस इन लिक्विड इसका बताओ एग्जाम्पल क्या होता है, गैस इन लिक्विड सोडा वाटर, कैसे आप बताओ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या भाई जब पानी में गुजारते हो तो वो पानी में घुल नहीं जाती क्या, फिर तो क्या हो गया हमारा गैस इन लिक्विड, समझे बात, तो ये देखो ये सॉल्यूशन बहुत जरूरी है, गैस इन लिक्विड मिक्सचर सॉल्यूशन। अगर ना आप बताओ समंदरों में बाहर तो आपको पता सभी लिविंग बींग्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होती है ऑक्सीजन, अब जो बाहर है उनको तो भाई बाहर एनवायरमेंट में O2 है उन वो तो लेते रहते हैं, लेकिन मछलियाँ बेचारी क्या करें, वो तो बाहर सांस ले सकती, बाहर जो O2 है उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसको क्योंकि फेफड़े ऐसे
नहीं बने हैं, उनके उनके लंग्स ऐसे नहीं होते, तो क्या होगा, उनको पानी में घुली क्या चाहिए? अब अगर ओ टू पानी में ना घुलती हो तो क्या जिंदा रह पाती क्या? तो जितनी प्लांट लाइफ है उनके लिए क्या ये जरूरी नहीं है आपको? ठीक है। और एक बताओ भाई, आखिर में क्या हमारे पास क्या होता है बताओ? तो ये हो गया हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट वाले तीन केस हमारे पास है। फिर से आगे, अब हमारे पास बताओ क्या है? क्या बेटा, अगर गैस हमारे पास क्या हो? सॉलिड। हमारे पास क्या हो? सॉरी, गैस हमारे पास सॉल्वेंट हो, इसमें आपको मिलाना। तो यहां पर आगे हमारे पास सॉलिड इन गैस क्या हो गया? सॉलिड आप डिजोल्व करो गैस के अंदर भाई, यानी कि वो यानी कुछ ही किसी सॉलिड के पार्टिकल, किसी सॉलिड के, जैसे मान लिया हमारे पास कैम्फर है, क्या हमारे पास कैम्फर, अरे जो कपूर होता है, क्या बेटा कपूर होता है, ठीक है, कपूर को आप N2 गैस मिला सकते हो, कपूर वो उड़ जाएगा आगे आपको। तो एक हमारे पास क्या बताओ भाई, एक क्या लिक्विड इन गैस। अब आप ही बताओ, जो ह्यूमिडिटी होती है, जो हवा में जो नमी होती है, अब एयर क्या है? एयर में सबसे ज्यादा क्या होती है? नाइट्रोजन। तो सॉल्वेंट कौन हो गया? नाइट्रोजन। लेकिन इसमें क्या उमस नहीं होती क्या? उमस, ह्यूमिडिटी। तो क्या क्या हमारे पास क्या हो गया? वो लिक्विड इन गैस आ गया भाई। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? लिक्विड इन गैस। और क्या हो गया? गैस इन गैस। ये बताओ क्या हो जाएगा? आपने दो गैसेस क्या कर दिया आपस में? इंटरमिक्स। फॉर एग्जांपल क्या बेटा, आपने मान लिया CO2 मिक्स कर दी N2 में, तो जो एयर होती है वो खुद क्या होती है? गैस इन गैस का मिक्सचर। कैसे? एयर में आपको बताओ भाई, अगर यहां पर नमी ना भी हो तो आपको पता होगा एयर भी क्या होता है? गैस इन गैस का मिक्सचर होता है। कैसे बताओ? अगर एयर में ना नमी हो बिल्कुल, ना एयर के अंदर भाई कुछ और हो, ना उसके अंदर डस्ट पार्टिकल हो, तभी आपको पता है एयर में क्या होगा? N2 गैस होती है, उसी एयर में CO2 होती है, उसी एयर में O2 होती है, तो ये भी क्या एक मिक्सचर है। आ गया आपको? ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।